रेल मैदान में है। आप सामने देख रहे हैं गया रेलवे स्टेशन है और हम लोग सैकड़ों की संख्या में पूरे गया के छात्र जो हैं वो अलग अलग मोहल्लों में छात्रों के हॉस्टल में लॉज में घूम करके प्रचार करते हुए ये कह रहे हैं कि 26 तारीख को गया में रेल चक्का जाम रहेगा 10 बजे और बड़ी संख्या में पूरे गया के छात्र उसमें उतरेंगे। और आप सब लोग देख रहे हैं कि चाहे आरा हो, हम लोगों ने आरा में जाम किया, छात्रों ने राजेंद्र नगर जाम किया गया। आज की खबर है कि मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और नवादा में बड़ी संख्या में छात्र उतरे हुए हैं और बहुत सारी ट्रेनें रद्द हैं, बहुत सारी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट हो गया है। हमारा साफ मानना है कि जो RRB NTPC स्कैम हुआ है, एक लड़का को एक जॉब दिया जाए, एक लड़के को कई सारा जॉब दिया गया है। इसके अलावा रेलवे का जो ग्रुप डी है उसमें जब पहले विज्ञापन आ गया और जब चीजें आगे बढ़ गई तो बीच में विज्ञापन में फिर एक नया नियम लाने का क्या मतलब है। सरकार जो है 2018 से 19 से वैकेंसी चल रही है, कोरोना के नाम पर एग्जाम नहीं हुआ, तो इसको लेकर के आर्मी बहाली जो है लगातार पेंडिंग है। CBT इसका जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है वो नहीं हो रहा है और ले देकर के पूरे बिहार का छात्र नौजवान तंग तबाह है सरकार की पॉलिसी से, सरकार की नीतियों से। और हम साफ साफ केंद्र सरकार, मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अविलंब हमारी मांगों को सुनिए, नहीं तो और बड़ा आंदोलन होगा, बिहार बंद होगा, पूरा चक्का चक्का जाम कर देंगे, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ आते हैं तो आप कहते हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी यूपी में चुनाव है, आप कहिएगा कि हम इतना रोजगार देंगे। हम रोजगार मांग रहे हैं, हमको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? 19 लाख रोजगार का वादा किया था नीतीश कुमार ने, तो इसी सब को लेकर के अब छात्र शक्ति जाग चुका है। किसी तरह का मनमानी, किसी तरह का अन्याय को हम नहीं सहेंगे। अब भगत सिंह और अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हम लोग हैं, सर कटा देंगे मगर सर नहीं झुकाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी हो, शिक्षा मंत्री हो, न्याय पसंद छात्र हैं जो चाहते हैं कि ये मनमानी रुके और उसमें ये बहाली और वो बहाली की बात नहीं है, बात है पूरे छात्र समुदाय की। और गया में जो लाखों लाख छात्र रहते हैं उन सबसे हमारा अपील है कि व्यापक छात्र हित को देखते हुए आप सब कल 10 बजे 26 जनवरी को सुबह 10 बजे गया रेलवे स्टेशन पहुंचिए और उसके बाद पूरे गया जंक्शन को जाम कर दिया जाए। जो काम लोगों ने पटना रविंद्र नगर पे किया, आरा में किया, वही काम कल गया में होगा और गया के छात्र आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय हम लोग लिखेंगे। यही उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और छात्रों को जागरूक करेंगे। इनकलाब।